बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर अकेडमी डॉट कॉम की जानिब से एक और न्यू कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से हम कैमटासिया स्टूडियो 8.1 का कोर्स स्टार्ट करेंगे। कैमटासिया स्टूडियो techsmith.com की प्रोडक्ट है। ये रिकॉर्डिंग का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। HD रिजल्ट में अगर आप अपने कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट इस सॉफ्टवेयर का है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला भी यही सॉफ्टवेयर है। इसका लेटेस्ट वर्जन आया है, इसको हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और इसमें क्या क्या न्यू चीज़ें ऐड हैं और हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें कैमटासिया स्टूडियो, लिंक मैंने उसका दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करें। विनरार फाइल में है, जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ही देर में आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये मैंने क्रैक वर्जन टोरेंट से डाउनलोड किया है। आप जो है वो किसी और वेबसाइट से या techsmith.com पर जाके वहाँ से 30 डेज के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं ट्रायल वर्जन पे। उसके बाद फोल्डर में आइए, यहाँ से कैमटासिया .msi पे क्लिक कर दें, इसके सेटअप पे। यहाँ पे कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखें, वेलकम टू कैमटासिया स्टूडियो 8 इंस्टॉलेशन वाजर। यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करें, यहाँ से आई एक्सेप्ट नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से इम्प्रूव कैमटासिया स्टूडियो बाय कलेक्टिंग यूज, इसको यही रहने दें। अगर आपके पास लाइसेंस की है तो यहाँ पे लाइसेंस करके आई हैव की यहाँ पे कोई नाम लिखें। अब मेरे पास फर्ज करें की है, तो ये देखें मैं इस क्रैक फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ से की टेक्स्ट और यहाँ से की को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे कि आप इसको इंस्टॉल कहाँ करना चाहते हैं, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको सी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप जो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो मैं इसको चेक ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट करें। उसके बाद ये आपके पास तीन ऑप्शन है, स्टार्ट कैमस्टार या स्टूडियो आफ्टर इंस्टॉलेशन, कि इंस्टॉलेशन के बाद स्टार्ट हो जाए, या क्रिएट शॉर्टकट, मैं डेस्कटॉप पे करूँगा, और लाइब्रेरी नेक्स्ट। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा इलम है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें और उसको शेयर करें दूसरों के साथ। इलम जितना आप शेयर करेंगे उतना ही इलम बढ़ेगा। ये बात याद रखें, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम किसी को कुछ बता दें तो हमारे पास वो हुनर नहीं रहेगा, वो दूसरे के पास आ जाएगा। लेकिन ये है, सोच अपनी चेंज करें, इलम को फैलाएं जितना हो सके। तो ये देखिए हमारी फाइलें जो हैं वो कॉपी हो रही हैं और इंस्टॉल हो रहा है सिस्टम में। तो ये देखें हमारा डेस्कटॉप पे आइकन आ चुका है कि ये इंस्टॉल हो चुका है। अब 0 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है, कुछ और वेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दें। जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होगा। अगर आपने क्लिक किया नहीं तो TechSmith की वेबसाइट ओपन होगी। ये देखिए, थैंक्स फॉर इंस्टॉलेशन कैमटासिया स्टूडियो। यहाँ से आप ट्रायल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, फ्री ट्रायल और बाय वगैरह आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ फिलहाल। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि बेहतर वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए क्या करना है। मेरे पास ये दो माइक्रोफोन हैं, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि बेहतर तौर पे आपको समझा सकूँ।
कुछ देर वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, अब हमारे पास एक ये माइक्रोफोन है। अगर आप ज़्यादातर मोस्टली यही यूज़ होता है, हेडफोन इसे कहते हैं। दूसरा जो मेरे पास है वो डेस्कटॉप है, उसको भी मैं ओपन करता हूँ। ये दो हेडफोन है हमारे पास, ये देखें, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसको आप डेस्कटॉप माइक्रोफोन या हेडफोन कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि ये आप कहाँ पे लगाएंगे और इसको किस तरह रिकॉर्डिंग करेंगे। ये एक जगह लगा होगा, आप बोलते जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप अपने सर पे लगाएं इसको, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। एक बात जो आपने नोट करनी है, अगर आपने हेडफोन लेना है तो ये देखें, इसके सामने एक कवर सा गोल सा फोम का बना हुआ है। इससे ये होता है कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग में जो शोर है, नॉइस है, किसी भी चीज़ का, वो नहीं जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी में साफ आवाज़ में देगा। अगर आपकी कंप्यूटर की आवाज़ है या फैन की आवाज़ है, कोई भी चीज़ है, तो उसको बहुत ही कम ये वीडियो में लाएगा, वरना ये नहीं लाएगा। तो आप कोशिश करें अपने कंप्यूटर की ऐसी आवाज़ जो हार्ड डिस्क देती हो, रैम देती हो, प्रोसेसर देता हो, उसको आप पहले ख़त्म कर लें, फ़ैन वगैरह बंद कर लें, ऐसी जगह पे ट्यूटोरियल बनाएं जहाँ पे शोर ना हो। अगर बिल्कुल शोर आ भी जाए तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह रिमूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ लग गई होगी। एक ये हेडफोन है और दूसरा डेस्कटॉप, तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ये आप बाय कर सकते हैं A4 Tech के पाकिस्तान में, और बाय बहुत सी कंपनियों के और भी। तो हम अभी देखते हैं कैमटास्या स्टूडियो को, इसको मैं ओपन करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो देखते हैं किस तरह हमारे पास शो होगा और इसमें क्या क्या ऑप्शन है। इसका मज़ीद डिटेल में हम अगली वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। ये देखें, कैमटास्या स्टूडियो 8.1 वर्जन है। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि किस कंपनी का है, कब ये बना है। तो ये देखें कनेक्टिंग, ये अभी सर्वर से कनेक्ट कर रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि आपकी रजिस्ट्री को चेक करेगा। अब ये देखें प्रोडक्ट की जो है वो वायलेट उसने करा दिया, क्योंकि ये उनके सर्वर में नहीं है। तो फिर भी हम ओके कर देते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये जब आप बाय करेंगे तो फिर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वर पे, ये देखें फर्स्ट टाइम जब आपका कैमटास्या स्टूडियो ओपन होगा तो ये देखें, आपके सामने है। और ये देखें, इसको ओके करें। अब ये एक क्लिप दिया गया है कैमटास्या स्टूडियो की तरफ से, इसको आप चलाएं तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उन्होंने बताया कि किस तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन हम इसका एक पूरा मुकम्मल कोर्स कर रहे हैं, तो इसके बारे में इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे अगली वीडियो में, अगले लेसन में, कि किस तरह हम यूज़ करते हैं और किस तरह हम एडिट करते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।